सैंगयोंग मोटर कंपनी एक साउथ कोरियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की ही सब्सिडियरी है। अभी हाल ही में महिंद्रा ने एक प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी महिंद्रा अल्टुरस G4 को लॉन्च किया है जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है सैंगयोंग रेस्टन जनरेशन 4th पर। और ठीक उसी तरह से महिंद्रा एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने वाला है जो कि कम्प्लीटली बेस्ड होगी सैंगयोंग टिवोली पर। ये गाड़ी जिस सेगमेंट में लॉन्च होने वाली है उसमें पहले से ही काफी तगड़ा कंपटीशन हुआ रखा है विटारा ब्रीजा, नेक्सॉन, इको स्पोर्ट और होंडा WRV के बीच में। तो अब बात यहां आती है कि महिंद्रा की इस नई एसयूवी में क्या कुछ ऐसा खास है कि वो सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से आगे निकल पाएगी या फिर उन गाड़ियों के बीच में अपनी जगह तक नहीं बना पाएगी। तो चलिए देखते हैं कि जितनी भी जानकारी हमें अब तक मिल पाई है इस गाड़ी के बारे में या फिर जितना भी हम अनुमान लगा सकते हैं उसके आधार पर इस गाड़ी में कितनी दम है। इस गाड़ी का कोड नेम S201 है, इसी नाम से इस गाड़ी को जाना जाता था। फिर बाद में कई लोग इसे XUV300 कहने लगे क्योंकि XUV500 से देखने में ये छोटी लगती थी। और अब आकर 1 दिसंबर 2018 को इसका नाम ऑफिशियली अनाउंस किया जाने वाला था लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उस इवेंट को पोस्टपोन कर दिया गया, लेकिन जल्दी ही इस गाड़ी को अपना नाम मिल जाएगा। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका नाम ऑफिशियली अनाउंस हो चुका हो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये नई कॉम्पैक्ट एसयूवी कम्प्लीटली बेस्ड होने वाली है सैंगयोंग टिवोली के ऊपर, ठीक उसी तरह से जैसे अल्टुरस G4 ट्रैक्सटन के ऊपर थी। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे सैंगयोंग टिवोली में अगर इसे इंडिया में लॉन्च करना है तो। असल में महिंद्रा इस गाड़ी को सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी की सेगमेंट में लॉन्च करना चाहता है जिसके लिए इस गाड़ी की लेंथ का 4 मीटर के अंदर होना जरूरी है। ऐसा करने से गाड़ी के ऊपर टैक्सेस कम लगते हैं जिसके कारण उसके प्राइसेस को कम रखा जा सकता है। लेकिन टिवोली की लेंथ 4202 mm है, मतलब 4 मीटर से ज़्यादा है, इसलिए इसको सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की सेगमेंट में लॉन्च करने के लिए कम से कम 202 mm कंप्रेस करना पड़ेगा, इसकी लेंथ को कम करना पड़ेगा जिसके कारण लगभग सभी डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे। हाल फिलहाल कोरिया में जो टिवोली बेची जा रही है उसके डायमेंशंस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेंथ है 4202 mm, विड्थ 1798 mm, हाइट 1590 mm और व्हील बेस 2600 mm। ग्राउंड क्लियरेंस 167 mm। एक एसयूवी होने के तौर पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है, इसलिए इंडिया में लॉन्च करने के पहले इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाना ही पड़ेगा। टर्निंग रेडियस 5.3 मीटर। और रही बात कर्व वेट की, मतलब गाड़ी के वजन की, तो 1270-1390 kg तक इस गाड़ी का वजन है। इस गाड़ी की बॉडी में 71.4% हाई स्ट्रेंथ स्टील और 40% एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया गया है, मतलब इस गाड़ी के साथ आपको स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी मिलने वाली है। बात करते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की, तो कोरियन टिवोली में 7 एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 4 डिस्क ब्रेक्स, हाई बीम असिस्ट, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, लेन कीपिंग असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग सिस्टम, सीट बेल्ट विथ प्री टेंशनर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जब इस गाड़ी का कोरियन NCAP में क्रैश टेस्ट किया गया था तो इसने 5 out of 5 stars स्कोर किए थे और यूरो NCAP में 4 out of 5 stars। तब जब इसमें ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम ऑप्शनल मिलता था, अब इसमें स्टैंडर्ड मिलने लगा है। इंडिया में लॉन्च होने वाली गाड़ी में ये सभी सेफ्टी फीचर्स तो नहीं मिलने वाले, लेकिन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ड्यूअल एयरबैग्स, इमरजेंसी ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, सीट बेल्ट विथ प्री टेंशनर्स, 4 डिस्क ब्रेक्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाया करेंगे हर वेरिएंट में। और इसके टॉप वेरिएंट में 7 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं।
अगर ऐसा होता है तो ये गाड़ी अपनी सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास सेफ्टी प्रोवाइड किया करेगी। सिर्फ सेफ्टी के फीचर्स ही नहीं, इस गाड़ी में आपको फुल्ली लोडेड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी मिलने वाले हैं। इसका मतलब है कि कई सारे इसमें ऐसे फीचर्स आपको मिलेंगे जो बेस्ट इन सेगमेंट होंगे, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट इन सेगमेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स मिल सकते हैं या फिर कहें मिलने वाले हैं। मल्टी कलर्ड सुपरविजन क्लस्टर, सनरूफ, पुश स्टार्ट बटन, कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, टच स्क्रीन विथ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB ऑक्स इन कंपेटिबिलिटी, ब्लूटूथ एंड नेविगेशन, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। हालांकि कोरियन NCAP में तो स्टीयरिंग मोड्स भी मिलते हैं, नॉर्मल, कंफर्ट और स्पोर्ट, जो शायद यहाँ पर नहीं मिल पाए। सनग्लास होल्डर, क्रोम इनसाइड डोर हैंडल्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 60:40 स्प्लिट रियर सीट। इन फीचर्स के अलावा भी कई सारे कॉमन फीचर्स हैं, जैसे पावर विंडोज विद एंटी पिंच ड्राइवर विंडो, ग्लव बॉक्स, आर्म रेस्ट, सनवाइजर वगैरह वगैरह। तो ये सब फीचर्स देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस गाड़ी में कई सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स मिलने वाले हैं। एक्सटीरियर की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाया करेंगी। हालांकि कोरियन टिवोली में तो HID हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जो शायद इतने बजट में यहां पर नहीं मिल पाए। इसके अलावा आपको फ्रंट में फॉग लैम्प्स मिल जाया करेंगे, महिंद्रा की सिग्नेचर ग्रिल और बीच में महिंद्रा की बैजिंग। साइड व्यू की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs मिल जाया करेंगे और 17 इंच मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स भी। और इस गाड़ी के पीछे आपको LED रियर कॉम्बिनेशन लैम्प्स, हाई माउंट स्टॉप लैम्प्स, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर जैसे फीचर्स मिल जाया करेंगे। इसके अलावा पूरे चांसेस हैं कि इस गाड़ी में ड्यूअल टोन का ऑप्शन भी मिला करेगा। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें आपको डीजल और पेट्रोल इंजन ऑप्शन दोनों ही मिल जाया करेगा। इसमें आपको 1.5 लीटर फोर सिलेंडर डीजल इंजन मिला करेगा, जो करेंटली आपको महिंद्रा मराजो में देखने को मिलता है। ये करीब 123 PS की पावर जनरेट किया करेगा 3500 RPM पर और 300 NM का टॉर्क जनरेट किया करेगा 1752-2500 RPM पर। इस इंजन में 21-22 KMPL का माइलेज क्लेम किया जा सकता है। और रही बात ट्रांसमिशन की, तो इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस इंजन के साथ ये SUV अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल SUV बन जाएगी। और दूसरी तरफ बात करते हैं पेट्रोल इंजन की, तो इसमें नया पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड 3 सिलेंडर मिलने वाला है, जो करीब 100 BHP की पावर जनरेट किया करेगा और 145 NM का टॉर्क जनरेट किया करेगा। इस इंजन में लगभग 17-18 KMPL का माइलेज क्लेम किया जा सकता है। महिंद्रा की हमेशा से कमजोरी रही है कि उसके पास एक बेहतर पेट्रोल इंजन नहीं है, इसलिए वो इस नए इंजन के ऊपर काफ़ी मेहनत करेगा, पूरी कोशिश करेगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइंड और स्मूथ बनाने की, ताकि इस इंजन को वो सिर्फ इसी गाड़ी में नहीं बाकी और भी गाड़ियों में यूज़ कर सके। पेट्रोल इंजन में आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिला करेगा। कोरियन टिवोली में 2-व्हील ड्राइव और 4-व्हील ड्राइव दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इस SUV को इंडिया में सिर्फ 2-व्हील ड्राइव ऑप्शन में ही लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा कुछ खबरों की माने तो इस गाड़ी के लॉन्च होने के बाद महिंद्रा इसी गाड़ी का नया वर्जन लॉन्च करेगा, जिसके डायमेंशंस इस गाड़ी से ज़्यादा होंगे, हो सकता है वो गाड़ी 7-सीटर हो। और अब आखिर में बात करते हैं एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइसेस की। तो इस गाड़ी को 7-10 लाख रुपए की प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा। हो सकता है टॉप वेरियंट 10 लाख की प्राइस को क्रॉस कर जाए, लेकिन बेस वेरिएंट 7 लाख के आसपास ही होगा। शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इतने सारे कंफर्ट और सेफ्टी के फीचर्स इतने कम बजट में नहीं दिए जा सकते। तो मैं आपको बता दूं कि कोरियन रेक्सटन में जितने कंफर्ट और सेफ्टी के फीचर्स मिल जाते हैं, लगभग उतने ही इंडियन रेक्सटन मतलब कि अल्टुरस G4 में मिल जाते हैं, वो भी 3,40,000 रुपए कम प्राइसेस में। मतलब कोरिया में फोर्थ जनरेशन रेक्सटन को 2017 में लॉन्च किया गया था करीब 33.40 लाख रुपीज में, जबकि इंडिया में वही सेम कंफर्ट और सेफ्टी के फीचर्स और इंजन के साथ अल्टुरस G4 29.95 लाख रुपीज में मिल जाती है। ठीक उसी तरह से टिवोली को कोरिया में 10 लाख रुपए के बजट में लॉन्च किया गया था,
और इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करने के पहले कंफर्ट और सेफ्टी के कुछ फीचर्स को कम किया जाएगा, इसके डायमेंशंस को कम किया जाएगा और इंजन भी दूसरे मिला करेंगे। इसीलिए पूरे पूरे चांसेस हैं कि इस गाड़ी को 7 से 10 लाख रुपए की प्राइस रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। मतलब इस गाड़ी में आपको स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ बेस्ट इन सेगमेंट सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं, कई सारे फर्स्ट इन सेगमेंट कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स मिलने वाले हैं। मतलब इस गाड़ी में आपको कई सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो सेगमेंट की किसी और गाड़ी में नहीं मिल पाया करेंगे। इसके अलावा इसमें आपको सेगमेंट का मोस्ट पावरफुल डीजल इंजन मिला करेगा और वो भी सब कुछ उतने ही पैसों में जितने में दूसरी गाड़ियां आपको मिल जाती हैं। मतलब अगर इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के साथ 7 से 10 लाख रुपए की प्राइस सेगमेंट में या फिर इससे भी ज़्यादा प्राइसेस में लॉन्च किया जाता है तो यकीनन ये अपनी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों की जगह को हिला देगी। और अब आखिर में बात करते हैं इस गाड़ी के लॉन्च होने की, तो मार्च 2019 तक इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी, क्या ये ब्रीजा और नेक्सॉन जैसी गाड़ियों को कंपटीशन दे पाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।